कैसे हैं आप सभी? सही हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, अभी देर की हुई, देखते हैं आज क्या पढ़ना है। तो टाइम एंड वर्क क्लास चला था, उसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे बहुत इजी तरीके से। तो आइए आप देखिए, क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप लेके आया हूँ आज भी, देखिएगा। पहला टाइप है, और आज तीन चार टाइप फिर सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रतिदिन कुछ नए टाइप के साथ हम मिलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेले उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। सी की कितनी धनराशि है? एकदम ईजी है, 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा। एक ही स्टेप करते चल रहे हैं, आप देखते चलिए। ए प्लस बी प्लस सी। अब ये कहेंगे ये क्या लिख दिए, तो सही आप देख रहे हैं हम क्या लिखे हैं। एक कार्य करता है, दिन लिख लीजिए, अभी देख लीजिए आपको भी समझ में आ जाएगा। एक कार्य करता है 6 दिन में, बी कार्य करता है 8 दिन में, और ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं, देखिएगा 3 दिन में कार्य संपन्न हो जाता है। तो सी की सहायता से 3 दिन में कार्य संपन्न कर लेते हैं। अब पता चल गया ना क्यों लिखे थे, ए अकेले 6 दिन में, बी अकेले 8 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 3 दिन में कार्य करते हैं। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम 3 दूना 6 और 2 चौको 8, 24 होगा। कुल कार्य आ गया, कुल कार्य आ गया 24। कुल कार्य आ गया, आप देखिएगा क्षमता निकाल लीजिए। कल वाला क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्षमता निकाल लीजिए। 6 दिन में 24 काम ये करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? तो 6 चौके 24, 4 काम। 8 दिन में 24 काम बी करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? 8 3 के 24, 3 काम। 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलके 24 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे? 8। ए की क्षमता 4 आ गई, बी की क्षमता 3, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के 8। यहाँ से सी की क्षमता निकाल सकते हैं। सी की क्षमता क्या होगी? ए प्लस बी के जगह इनका मान रख के इसमें से माइनस कर दीजिए 8 में से। 8 माइनस 4 और 3 7 1। सी की क्षमता आ गई 1। अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। कह रहा है कि 3200 में ठेका लेते हैं, पूरे काम को करने में, होल काम करने में 3200 रुपये का ठेका लेते हैं। सी का हिस्सा क्या होगा? अब चलिए, सी का हिस्सा क्या होगा? रेशियो वाला में चलिए चलते हैं। उसमें क्या बताया था कि जिसका पूछता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं और तीनों को ऐड कर देते हैं। मान लीजिए इनका रेशियो आया 4:3:1, इनके क्षमता का रेशियो ही ना आया। पूछ रहा है सी का, सी को ऊपर रखिए। रेशियो वाला क्लास देखे हो तो आपको समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे से दैनिक जीवन में बताता हूँ, बहुत छोटा सा ट्रिक के द्वारा। तीनों को ऐड कर दीजिए 8, 8 चौक 32, 400 रुपया। बहुत ईजी है। बी से पूछता तो बी वाले को ऊपर रखते हैं, तीनों को ऐड करके डिवाइड करते, तो बी का हो जाता 4 3 1200 रुपया। ए का पूछता तो 4 चौक 1600 रुपया। कन्फर्म? यहाँ तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कल एक क्वेश्चन बताया था, आप कहेंगे कि नया टाइप कर रहे हैं। हाँ नया टाइप है, कल एक क्वेश्चन यहाँ तक बताया था तो यहाँ तक तो क्लियर थी, लेकिन आपको इसमें दिक्कत हो जाता है। ए रुपया दे देता है तो 2 ही रुपये, आप कहते हैं ए प्लस बी मिलकर ठेका लिए हैं, तो सी का हिस्सा कहाँ से होगा? ये बात आपके दिमाग में आती, इसीलिए क्लियर कराने के लिए क्वेश्चन बताया हूँ। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस पर लेंदी है देखने में। 2 सेकंड इसको सॉल्व होगा, पहले समझिएगा, उसके बाद 2 सेकंड में सॉल्व कीजिएगा। अभी नहीं 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे हम, 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे तो आप समझेंगे नहीं, और कहेंगे कि समझ में नहीं आया। तो देखिएगा हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दो आदमी एक औरत मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी? तो दो आदमी, कितने औरत? एक औरत। जबकि 4 औरत तथा 2 आदमी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं।
यदि एक आदमी को कार्य करने के बदले 600 रुपये प्रतिदिन मिलते हो तो एक औरत को प्रतिदिन कितने धनराशि मिलनी चाहिए। इंग्लिश में भी आपको समझ में आ गया होगा, इंग्लिश हमको दिखता नहीं है ना, नहीं तो उसको भी बोल देता। इंग्लिश आपको बस दिखेगा क्योंकि एडिटिंग में वो लगाया जाता है, तो मुझे नहीं दिखता है तो उसके लिए सॉरी। अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इतना नहीं है क्षमता कि स्मार्ट बोर्ड लगाया, लेकिन जैसे है पढ़िए मन से। दो आदमी एक औरत, दो मैन प्लस वन वुमेन, चार औरत और दो आदमी, दो मैन फोर वुमेन, दिन कितने लेते हैं? वही काम कीजिएगा जो करते आ रहे हैं, 14 दिन ही लेते हैं, और चार औरत दो आदमी 8 दिन ही लेते हैं। ठीक है, इतना तो कन्फर्म। अब इनका एलसीएम क्या होगा ये आपको निकालना है। क्या होगा एलसीएम? तो 2 7 14, 2 4 8, 2 4 4 8 7 56, कुल कार्य एलसीएम क्या होगा? 56 इनका हो गया कुल कार्य। अब देखिए 2M प्लस एक वोमेन मिलके 14 दिन में 56 कार्य करती हैं, तो क्षमता इनकी निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, 14 चौको 56 4, इनकी क्षमता 8 7 56 7। इतना तो क्लियर हो गया ना कि इतनी की क्षमता 4, इतनी की क्षमता। अब देखिए क्या आया है, 2M+1W=4 समीकरण एक बन गया, 2M+4W=7 समीकरण दो बन गया। क्यों दो बन गया? कि 2M+W बराबर इतना क्षमता इनकी इतना है, तो इनके बराबर इतना है, दो समीकरण। अब यहाँ से एम और डब्ल्यू का मान निकालिए, माइनस कीजिएगा, माइनस इसको करेंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये भी माइनस हो जाएगा -3W। अरे ऊपर प्लस है, -3W, ये माइनस माइनस, ये भी 3, और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, W=1। तो यहां से W का मान निकल गया, अब तो ओमेन का निकल गया, और यहां पे मैन की क्षमता, ओमेन का क्षमता निकल गया। यहां से मैन की क्षमता निकालने के लिए W=1 किसी एक समीकरण में रखिए, तो इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2M+1=4, और ये हो जाएगा 2M=3, और m बराबर आ गया 3/2। एक मैन की क्षमता 3/2, एक ओमेन की क्षमता आ गया इनका 1। इनका रेशियो क्या हो जाएगा? तो मैन रेशियो ओमेन कर दीजिए, मैन रेशियो ओमेन जब करेंगे तो 3/2:1 हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हुआ ना? अरे 2M+1W=4 क्षमता आया है, इन दोनों को सॉल्व करके W ओमेन का एक औरत की क्षमता एक निकाल दिए। अब एक का मान इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रखेंगे तो मैन का क्षमता नहीं निकल जाएगा, आदमी की क्षमता इतना। अब इनका रेशियो ज्ञात कर लीजिए, जब रेशियो ज्ञात करेंगे देखिएगा, रेशियो ज्ञात करने का मतलब ये है कि ये बट्टा में है, भिन्न में है, और ये सिंपल है, दोनों को सिंपल में चेंज करना पड़ेगा। तो रेशियो ज्ञात कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3:2 हो जाएगा। 2 LCM दे लीजिए, इसका 2 से 2, 1 इसमें मल्टीप्लाई करें 3, और 2 इसमें 2, ये आ गया रेशियो। अब पूछ रहा है कि एक आदमी को कार्य के बदले 600 रुपये मिलता है प्रतिदिन, तो एक औरत को प्रतिदिन कितने धनराशि मिलेगी? अब ज्ञात कर लेंगे इनका, तो देखिएगा एक, अब यहाँ पे आइए, एक मैन की क्षमता 3 आ गई यहाँ पे, और एक वुमेन की क्षमता 2 आ गई। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि एक आदमी कार्य करने में इतना रुपया प्रतिदिन मिलता है और वुमेन को कितना रुपया मिलेगा, तो जिसका पूछ रहा है उसका ऊपर रख दीजिए और जिसका दिया उसका नीचे रख दीजिए। 2/3 × 600, 400 रुपया मिलेगा किसको? औरत को। देखिए कैसे पिछला वाला वीडियो में, पिछला वाला तो क्वेश्चन में आप देखे हैं कि वहाँ पे हम सब वाले को जोड़ के नीचे डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे सिंपल आदमी का बस दिया है, तो आदमी का दिया है तो इसका रेशियो नीचे रहेगा, जिसका पूछ रहा है उसका ऊपर रहेगा, इसे मल्टीप्लाई करके 400। ये बात क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से देखिएगा। तो ये दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट टाइप ये भी है, देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये 50 पैसे है। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं, और जब बी उसी कार्य को करता है तो मजदूरी के रूप में 75 रुपये मिलते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम की क्या लागत आएगी? ध्यान देखिएगा, ए को कितने रुपये मिलते हैं मजदूरी के रूप में? 63, तो ए को कितने दिन काम करता है?
कितने दिन काम करता है, तो 63 रुपये इसको मजदूरी मिलती है कुल, ठीक है, और एक दिन वो कमाता है 3 रुपया 50 पैसा। यहाँ तक बात तो आपको दिमाग में घुस रही है ना कि 63 रुपये इसको मजदूरी मिलती है और एक दिन में कमाता है 3 रुपया 50 पैसा, तो 63 रुपये मजदूरी मिलती है तो कितने दिन की होगी, डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड कर लीजिए, 2 नीचे 2 0 ऊपर नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 35 सेकंड ने 35 और 35 सेकंड ने 35 और 35 अठारह, तो ये काम करता है 18 दिन। अब बी का निकाल लीजिए, बी का वही, बी को मिलता है 75 रुपया और प्रतिदिन इसकी मजदूरी है 2 रुपये 50 पैसा, तो कितने दिन काम करता है, 25 या 75 30 दिन। ये बात दोनों तो क्लियर, आप देखिएगा इनका दिन निकल गया, ए काम करता है 18 दिन, बी काम करता है 30 दिन, ठीक है, आप देखिएगा ए और बी, ए काम करता है 18 दिन और बी काम करता है 30 दिन। अब आइए देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 90 और 90 ही आपका हो जाएगा कुल कार्य, 90 हो जाएगा कुल कार्य। ये तो दिन था, क्षमता निकाल लीजिए, वही काम कीजिए, 18 + 95 = 5 और 30 = 93। 18 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में क्या काम करेगा, 5 काम, और 30 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। अब दोनों की ए प्लस बी की क्षमता 5 + 3 = 8, ये तो बात क्लियर, ए प्लस बी की क्षमता हो गई आपका 8। अब आइए कह रहा है ए प्लस बी 8 क्षमता है, एक दिन में 8 काम करते हैं तो 90 काम है, कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करेंगे ना, अरे ए की क्षमता, दोनों की क्षमता इतना है 8 गो है और 90 गो काम है, तो ध्यान समझिएगा, 90 गो कुर्सी बनाने के बाद और 8 गो क्षमता बात, कितना करिए, कितना करिए, एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है और 90 गो बनाने के बाद कितना करिए, तो 90 में एक डिवाइड कर देगा तो पता नहीं चल जाए, तो डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, तो दिन पता चल गया 90/8 हो जाएगा 45/4। यहाँ तक बात तो क्लियर, अब देखिएगा कह रहा है कि वे दोनों साथ मिलकर वही काम करें तो क्या लागत आएगी, दोनों साथ मिल के काम करते हैं इतने दिन लगता है, ठीक है, और लागत पूछ रहा है तो कुल लागत, ए एक दिन काम करता है 3 रुपया 50 पैसा प्लस बी का एक दिन का काम, दोनों का जो एक दिन का मजदूरी हो तो जुटेगा ना, ए का एक दिन का मजदूरी 3.5 रुपया है, बी का एक दिन का मजदूरी 2.5 रुपया है, दोनों का मजदूरी जुटेगा, क्यों, क्योंकि दोनों मिल के 45/4 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, उतने दिन की इनकी दोनों की मजदूरी हो जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 45/4 से, ए हो जाएगा 4, 5, 6 और 45/4, देखिएगा 2 × 4 और 2 × 4 2 × 4 2 × 4 2 × 10 22 रुपये 50 पैसा × 3, 3 × 5 15 के 5 हाथ में 1 और 3 × 6 7 3 × 6 67 रुपये 50 पैसा, 67.5 रुपया इन दोनों की मजदूरी हो जाएगी कुल लागत वाला। एक बार और ध्यान समझिएगा, ये तो काम, यहाँ तक काम तो क्लियर था कि इनका दिन निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन है पहले दिन निकाले, ये तो बात क्लियर हो गया था, अब दिन से इनकी कुल कार्य निकाल लेंगे एलसीएम लेके, कुल कार्य निकल गया। अब आइए ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे, अलग अलग क्षमता निकालेंगे, तो ए प्लस बी की क्षमता 8, कुल काम 90 दिन है, कितने दिन समय लेंगे ए प्लस बी, तो 45/4 दिन का समय लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अब कह रहा है कि इतने दिन काम करते हैं और ए की मजदूरी इतना रुपया है, बी की मजदूरी इतना रुपया है, तो इतने दिन में कितना रुपया कमाएंगे, यही ना, तो ए प्लस बी की मजदूरी दोनों जोड़ के उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 67 रुपया, 67.50 रुपया वो क्या करेंगे, उनकी कुल लागत आएगा उस कुल काम को करने में। इतना बात क्लियर, कन्फर्म हो गया,
तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश किया समझाने के लिए, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, और फिर आपको आज तक कोई पेड़ नहीं करना है, वीडियो जब तक रहेगा चैनल तब तक आप देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को देखिएगा रिपीट करके, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। और नोट डाउन जरूर कीजिएगा इस रूल को, कैसे नोट डाउन करते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसे आप रख सकते हैं। और चैनल पर तो वीडियो पहली बार देख रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर करके छोटे प्रयास का हिस्सा बनिए। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।